हेलो एवरीवन, दिस इज सारिक। कुछ समय पहले इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ और जिसके लिए मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ और मैं इससे निकल चुका हूँ। तो जब इस पोस्ट को मैंने पढ़ा तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्डली बात गई कि लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग इसकी आलोचना करेंगे, जो कि मैंने देखा कि कुछ वीडियोज़ में लोग करने लगे, कुछ पोस्ट में कुछ लोग करने लगे। तो इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिस पर मैंने बात किया कि इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी मेंटल इशू को स्ट्रेट फॉरवर्डली सबके सामने आकर कहती है ना और बात करती है कि मैं मेंटल इशू से गुजर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि मेंटल इशू पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। अगर कोई कॉमन इंसान कहे ना कि मैं मेंटल इशू से गुजर रहा हूँ, तो क्या होता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनती, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके सामने ये कह रही है कि मैं मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, मैं भी डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, तो क्या होता है कि फिर वो एक पब्लिक डिस्कशन बन जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें ये बात भी कही और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि हर इंसान के फेज में ये लाइफ आता है कि वो थोड़ा एंशियस हो जाता है, वो एंजाइटी लेने लगता है, वो स्ट्रेस लेने लगता है, और फिर जब ये कंटिन्यूस रूप में होने लगती है। अब हमेशा याद रखिए कि इंसानी फितरत है कि हम कभी ना कभी एंजाइटी हमें होगी, कभी ना कभी हमें स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस रूप में हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और फिर वो एक फेज़ होता है जिससे निकलना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें मैंने एक बात कही कि अगर आप एक्सप्रेस करते हो, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों को एक्सप्रेस कर देते हो कि चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स में जो आपकी बातों को समझ सके, या अपने दोस्तों के साथ, या किसी कंसल्टेंट के साथ अगर आपने डिस्कस कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक आप उस चीज़ से गुजर रहे हो नहीं होते। कुछ दिनों पहले मैंने पोस्ट पढ़ा रोहित शर्मा का, कल ही एक्चुअली मैं इसको रीड कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि मुझे नहीं पता था कि इससे विश्व कप की हार से कैसे बाहर निकलूं। शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास का माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। इसे स्वीकारना आसान नहीं था, पर ज़िंदगी चलती रहती है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो आपको इस पोस्ट समझ में आना चाहिए कि जब एक इंसान इस फेज़ में होता है और जब उसकी फैमिली उसके साथ होती है, उसके दोस्त उसके साथ होते हैं, उसके लोग उसके साथ होते हैं, तो फिर उस चीज़ से निकलना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और यही चीज़ संदीप महेश्वरी सर ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि मैं इससे गुजर रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है, जब आपसे बात डिस्कस की गई, उन्होंने आपको अपनी फैमिली समझाया, उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया कि मेरे जो पब्लिक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो गुमनामी में ना रहे, उनको भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दो कि हर इंसान की ये प्रॉब्लम है। इसमें कुछ बात मैं ऐड करने लग पड़ा हूँ कि एक इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में तब चला जाता है, कुछ रीजंस होते हैं, जैसे ओवर एक्सपेक्टेशन। एक तो सोसाइटी अगर एक इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगती है, तो वो इंसान सोसाइटी की चीज़ों को इतना फुलफिल करने लगता है, सोसाइटी को खुशियों के पीछे इतना भागने लगता है कि फिर वो अपनी खुशियों को नहीं देख पाता है, चाहे वो फैमिली की बात हो या आसपास मोहल्ले की बात हो या सोसाइटी की बात हो। जब इंसान अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है ना, तो एक समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन एक वक्त के बाद फिर वो ना वो एक गलत रूप में सामने आने लगता है। तो पहला चीज़ क्या होता है कि जब सोसाइटी के इंसान से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस देती है। उसी तरीके से एक इंसान जब खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है, जब एक इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हो कि भाई मैंने इतना एफर्ट लगाया, मुझे रिज़ल्ट ऐसा ही चाहिए, तो जब एक इंसान बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट पे फोकस करने लगता है, परिणाम पे फोकस करने लगता है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, और अपने एफर्ट पे फोकस ना लगा के उस पे फोकस करने लगता है और अपने एफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, तो जब एक इंसान बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाता है ना, तो वो स्ट्रेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हो। बहुत सारी चीज़ें, जब इंसान ऊपर वाले की बस में जो चीज़ है ना, वो खुद में करना चाहता हो कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो उस पर मैं बात करके उसका मैं स्ट्रेस लेकर उसका मैं टेंशन क्यों लूँ। सीधी बात है कि जब आप अपने एफर्ट्स को छोड़कर अपने अपने रिजल्ट्स पे फोकस करने लगोगे, तो आपका वो स्ट्रेस और एंजाइटी बनेगा। आपका काम सिंपल क्या है कि आप अपना एफर्ट दो,
आप अपना 100% दो, आप पूरी मेहनत करो और बाकी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट मिलना नहीं मिलना ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एक इंसान क्या होता है ना कि खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि हर चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहता हो, तो फिर वो स्ट्रेस की तरफ चला जाता है और फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। अगली चीज़ क्या है कि जब लोग समझते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ फुलफिल हो जाए ना, सब सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी हो जाए, बाकी हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे ना, तो बहुत अच्छी लाइफ होगी। नहीं, मैंने ये बात हमेशा से कही है क्या कि आपके अंदर जो जो कमी के एहसास है ना कुछ की कमी है, किसी ना किसी बात की कमी है, ये ज़िंदगी भर रहना चाहिए। जब ये कमी फुलफिल हो जाती है ना, तो आपके पास अचीव करने के लिए कुछ होता नहीं है। आपने बहुत अर्ली एज में हर चीज़ें बहुत ज़्यादा अचीव कर ली हो और आपके अंदर वो कमी का एहसास ख़त्म हो गया हो, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। फिर आप गलत चीज़ों के तरफ ट्रैक होने लगते हो, आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हो, और फिर वो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। तो अर्ली एज में जब आप सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हो, अर्ली एज में जब आप ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो कमी का एहसास है ना कि मुझे और सीखना है, और जानना है, और ज़िंदगी में बेहतर करना है, और कामयाब बनना है, ये ज़िंदगी भर रहना चाहिए। तो ये इंसान को मोटिवेटेड रखता है, इंसान को एक रास्ता दिखाते रहता है और आपको मोटिवेट रखता है कि आप उसके तरफ काम करते रहो। तो वो जो कमी है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मजबूर कर देती, काम करने लगती है। अगली चीज़ क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, जब आप फ्यूचर कंट्रोल करना चाहो, है ना, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाओ कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, तब भी वो डिप्रेशन का शिकार बनने लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इससे निकलने का सिंपल तरीका क्या है, कुछ तरीके मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहला तरीका है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए, आप जितना एफर्ट अभी लगा सकते हैं आप लगाइए, बाकी रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश आप मत कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं ना, तो फिर आप प्रेजेंट को लूज़ करने लगते हो कि प्रेजेंट आपके लिए इंपॉर्टेंस, प्रेजेंट की मायने कम हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट पे काम करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय करना सीखिए, और बाकी फ्यूचर जिस तरीके से आप प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं ना, वही आपका फ्यूचर होने वाला है, उसी तरह से फ्यूचर आपकी प्लानिंग होगी। तो फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, वो जो कमी का एहसास है उसको नेगेटिव ना लें, बल्कि वो पॉजिटिव है। ओके, इस पर मैं आपको एक किताब रेकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ नाउ। ये इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको पता चलेगी कि आपके ज़िंदगी में कि जो अभी अभी जो मोमेंट गुजर रहा है ना, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि इट नेवर कम्स बैक इन योर लाइफ अगेन। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाओ, ऑटोमेटिकली योर फ्यूचर विल बी ग्रेट। तो ये जो बात संदीप महेश्वरी सर ने स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों से कही है ना, इसको नेगेटिव मत बनाइए, क्योंकि जब इंसान एक्सप्रेस करने लगता है, क्योंकि ये सोसाइटी में ऑलरेडी सोशल टैबू है, ऑब्वियस बात है, एक कॉमन इंसान जब इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है तो लोग उसको नेगेटिव नज़र से देखने लगते हैं, लोग समझने लगते हैं कि वो कोई पागल है, वो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लोग इस तरह से उसको देखने लगते हैं। तो आप सोचिए कि जब इतना बड़ा इंसान इसको उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, तो लोग फिर इसका कितना डिस्कशन बनाएंगे। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को समझो कि अब भी आज तक ऐसा है कि लोग इसको सोशल टैबू समझते हैं कि कोई इंसान अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो वो पागल हो चुका है, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी वीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सब के साथ होता है, ये फेज़ है, सबको हर इस फेज़ से गुजरना पड़ता है, एवरीबॉडी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें। इसको बेहतर बनाने के लिए सिंपल है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट पे काम करो, अच्छी किताबों को शामिल करिए, बुक्स लेकर आइए, उसके बाद आप अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छी वीडियोज़ देखो, कुछ अच्छे स्पीकर्स को अपनी लाइफ में शामिल करिए, उनको सुनिए, ठीक है। तो जब आप एक लर्निंग एटीट्यूड अपना लोगे ना, आप हर रोज़ सीखते रहो, तो जो एक एहसास होता है ना कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, तो वो जो लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं उस एहसास को फुलफ़िल करने की कोशिश करती है कि मैं उस पर काम करूँ और इम्प्रूव करता रहूँ। तो जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो इंसान को मोटिवेट रखता है, वो इंसान को इस एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है। तो इन चीज़ों को रखिए। उसके बाद फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, हमेशा वीक में कुछ ना कुछ ऐसा वक्त ज़रूर निकालिए जो आप अपने साथ स्पेंड करो,
ठीक है, वीक में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वक्त निकाली जो अपने साथ स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, कभी किसी मूवी को जाकर देख लेना, अच्छी मूवीज़ को देखना, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप कुछ ना कुछ बाहर जाने की प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए कि आप कोई ना कोई जगह विजिट करो, साल में एक से दो जगह ज़रूर विजिट कीजिए, तो वो रिफ़्रेशमेंट लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में, एक एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट बस यही कहूँगा कि मेंटल फिटनेस के लिए फ़िज़िकल फिट का होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप को फिज़िकली फ़िट भी बनाने के ऊपर काम करिए कि मैं फ़िज़िकली फ़िट रहूँ, ठीक है। तो फिज़िकल फ़िट होना भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है, ये स्टडीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है कि आपके मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल माई ऑडियंस कि आप संदीप महेश्वरी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उन्होंने जो स्टेप लिया है आप उसको इनक्रेज करो, और मेंटल डिस्कशन के जो इश्यूज़ हैं उसको सोशल टैबू की तरफ मत लेकर जाओ, कि इसको सोसाइटी अब तक जो बुरा मानती है इसको उस तरफ मत लेकर जाइए, इस पर डिस्कशन कीजिए। आज जो खासकर जो एक जो लड़कों की कम्युनिटी है ना, वो ज़्यादा इससे परेशान है, क्योंकि बचपन से लड़कों को क्या सिखाया जाता है, सुसाइड जब होते हैं ना, आप सुसाइड रेट जब उठाकर पढ़ो तो आपको पता ये चलेगा कि उसमें ज़्यादातर लड़के होते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते हैं, आप अगर बोल रहे हैं कि मुझे मेंटल इश्यूज़ हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। लड़कियों में ये कम क्यों होता है, क्योंकि लड़कियाँ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती हैं, वो रो लेती हैं, वो लोगों के सामने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेती हैं, उनको नहीं कहा जाता बचपन से कि भाई आप नहीं रो सकते, तो वो उनको पता है, तो ये कमज़ोरी नहीं ये स्ट्रेंथ होता है कि आप अपना इमोशंस बाहर ले आते हैं। लड़कों को ये चीज़ों से रोका जाता है कि आप रो नहीं सकते, जब आप बचपन में रो रहे होते हैं तो आपको ये बात बोलकर चुप कराई जाती है कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हैं, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं आपके मन में चली जाती है सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, आपको हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो अब हमें ये पता चलता है कि बॉयज़ जो है ना फिर इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अगर वो किसी चीज़ से गुजर भी रहे हैं ना तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो जब एक्सप्रेस नहीं करते तो वही चीज़ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट कहाँ पे जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सप्रेस करना सीखें, ठीक है। तो उनके जो स्टेप है, जो उन्होंने स्टेप लिया है, इसको बड़ा बनाइए, जिस तरीके से मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया, जो मेरा अब तक का रिसर्च रहा है, जो मेरी अब तक की स्टडीज़ रही है, अब तक का जो इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है, और काफ़ी लोगों को मैंने इस टॉपिक पर कंसल्टिंग प्रोवाइड की है, जिसके साथ मैं आप कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहेंगे और लोग आप अच्छा अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो लोग आपके साथ उस वक्त खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास जब तक लोगों को आपके बारे में पता नहीं है, लोग आपके साथ कैसे खड़े होंगे, जस्ट लेट मी नो दिस। तो इसलिए आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस बात को डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ तो मैं डिस्कस करूँ, या फिर जैसे मैं डिस्कस करूँ तो मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी मैं इससे निकलने की जो चांसेस है वो जल्दी निकल जाएंगे। आप तो बेहतर है कि आप इसके साथ इसको डिस्कस करने पर आगे आएँ, ना कि इसको नेगेटिव डिस्कशन पर लेके जाएँ, ना ही इसको क्रिटिसाइज करें। आई पर्सनली सपोर्ट द स्टेप ऑफ संदीप महेश्वरी सर, मैं उनके स्टेप को काफ़ी सराहता हूँ कि आपने इस तरह का स्टेप लिया, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को नेगेटिव में मत लेकर जाइए, ठीक है। किसी ने अगर ये बात कही है, क्योंकि कोई एक छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने यह बात कही है, तो वो इंसान उस इंसान को किसी और की ज़रूरत है, आई डोंट बिलीव कि उसको किसी और की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो आपसे ये बात स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर कह रहा है तो फिर उसकी बात का मान रखिए, उसकी बात की इज्जत करिए और इस सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहिए। दिस इज़ इट फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच।